तो बेटा केस वन देख लिए, केस टू देखते हैं भी देख लिए, केस थ्री स्टार्ट करते हैं। जी वैल्यू पॉजिटिव देख लिया, अब नेगेटिव का देखते हैं। ठीक है, तो अमोनिया फॉर्मेशन में नेगेटिव आता है भैया, डेल एन जी मालूम है आप लोगों को। डेल एन जी का वैल्यू कितना आएगा बच्चा, कितना है का डेल एनजी का वैल्यू? -2। -2। टाइम जीरो, टाइम टी, टाइम इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है बच्चा? मोल एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो स्टार्टिंग में टाइम, इसका रिएक्टेंट का अमाउंट ए था, ये बी, ये जीरो। एक्स अमाउंट टूटा तो एक्स अमाउंट फॉर्म होगा, उसका क्या करते थे भाई? एक्स अमाउंट टूटेगा, एक्स अमाउंट बनेगा, उसका क्या करते थे? स्टोइकोमेट्रिक से इनटू, यहाँ पर कुछ नहीं तो वन, यहाँ थ्री है तो थ्री, टू है तो टू। कितना अमाउंट था? एक्स टूटा कितना, सॉरी ए था अमाउंट, डिसोसिएट कितना हुआ एक्स, बचा कितना इक्विलिब्रियम पे? ए माइनस एक्स, यहाँ पे बी माइनस थ्री एक्स, यहाँ पे बन रहा है तो प्लस में रहेगा भाई, ये था। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन एन टू का कितना आएगा बच्चा? कंसंट्रेशन ऑफ एन टू मोल एट इक्विलिब्रियम ए माइनस एक्स, सपोज वॉल्यूम है भी, वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ एच टू कितना मोल? बी माइनस थ्री एक्स वॉल्यूम, वैसे कंसंट्रेशन ऑफ NH3 कितना का? टू एक्स वॉल्यूम वी। स्टार्टिंग के जो लाइन है वो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्टार्टिंग के जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विलिब्रियम को। तो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के जो थ्री स्टेप हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो ये मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मोल इनिशियल टाइम, डिसोसिएटेड एसोसिएटेड मोल, और थर्ड वाला क्या है? मोल एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल मोल कितना होगा एट इक्विलिब्रियम? मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है बच्चा? ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस टू एक्स। तो 100 के रूप में कितना आएगा? ए प्लस बी माइनस टू एक्स। अब केसी का एक्सप्रेशन, -3x है। थ्री एक्स, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है। तो फॉर्मूला ऑफ केसी, तो पहला फॉर्मूला है भाई, केसी इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब NH3, कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ H2। अब स्टोइकोमेट्री जाता है कहाँ भाई? पावर पर, तो ये थ्री और ये टू। ये पहला फॉर्मूला, जब ये N2 H2 NH3 का वैल्यू गिवन होगा तब। सेकेंड फॉर्मूला, जब वैल्यू गिवन नहीं है, मोल गिवन है, और कितना ए और बी का वैल्यू, मतलब एन टू और एच टू का मोल गिवन है, और डिसोसिएटेड अमाउंट एक्स गिवन है, तब कितना रखोगे? NH3 का 2h अपॉन बी टू द पावर 2, ए माइनस एक्स अपॉन बी, बी माइनस एक्स अपॉन बी माइनस थ्री एक्स अपॉन बी। तो फोर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? ए माइनस एक्स, बी माइनस थ्री एक्स, बी टू द पावर क्यू, ये होगा। ठीक है बच्चा लोग, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा?
फोर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स बी माइनस थ्री एक्स टू द पावर क्यू, इसको सॉल्व करते क्या होगा, बी स्क्वायर पर जाएगा। तो कैसी का ये एक फॉर्मूला, तो कैसी के दो फॉर्मूला होगा, ये कब यूज होगा जब डायरेक्ट कंसंट्रेशन गिवन होगा तब, और ये फॉर्मूला कब यूज होगा बच्चा, जब मोल गिवन है, ए का बी का अमाउंट होता है, एन टू का मोल है, एच टू का मोल गिवन है, कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, कितना मोल फॉर्म हो रहा है वो गिवन है तब। तो नोट करो जल्दी से यहाँ पे, नोट डाउन करो बच्चा लोग, यहां तक नोट किया बच्चा, अब बारी है भाई केपी की। नोट कर लो जल्दी। तो केपी का फॉर्मूला, जब पार्शियल प्रेशर गिवन होगा तो केपी इक्वल टू व्हाट, तो पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट मतलब NH3 गैस डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी स्टोइकोमेट्री कहाँ पे प्लेस करेंगे भाई, कहाँ पे रखा जाएगा, पावर पे। ये हुआ केसी, सेकंड बी केसी हो गया, केसी का एक और, सॉरी केसी नहीं है, केपी, केपी का एक और फॉर्मूला है क्या बच्चा, केसी जब पता चल गया हो तो आरटी टू द पावर डेल एनजी। तो केसी का वैल्यू कितना है भाई, एक है एनएसटी जब कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो तो एन टू H2 3 2, RT डेल NG का वैल्यू कितना है -2। अब ये हो गया सेकंड फॉर्मूला केपी का, अब आगे इसी कोर्स और करेंगे तो एक थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। वैल्यू इसको पूरे को सॉल्व करने पे कितना आया था, 4x² a माइनस एक्स बी माइनस थ्री एक्स इंटू बी स्क्वायर RT टू द पावर -2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 4x² a माइनस एक्स बी माइनस थ्री एक्स इंटू बी स्क्वायर अपॉन RT। फोर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स बी माइनस थ्री एक्स बी अपॉन आर टी टू द पावर स्क्वायर, ये मिला। अब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हम लोग भाई, क्या होता है भाई आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होता है भाई, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो बी अपॉन आर टी इक्वल टू व्हाट सर, वो बी माइनस थ्री एक्स क्यूब आएगा। हाँ क्यूब यहाँ पे रहेगा एन आर टी, तो यहाँ पे बी अपॉन आर टी इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन बी, सॉरी पी, एन टोटल पी टोटल दोनों इक्विलिब्रियम पे, तो ये पूरा कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। अगर ये स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा भाई, तो मिलेगा क्या हमको केपी इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स बी माइनस थ्री एक्स टू द पावर क्यूब एन टोटल पी टोटल एट इक्विलिब्रियम टू द पावर टू। ये केपी का थर्ड फॉर्मूला, तो पता होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज होगा, जब पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली गिवन होगा तब। ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो, जब केसी गिवन होगा तब, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला।
कौन से क्वेश्चन इसका मान लेते हैं, ये वाला फार्मूला के इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, इक्वेशन फोर, इक्वेशन फाइव और ये इक्वेशन सिक्स फार्मूला। तो जैसा कंडीशन उसके हिसाब से वाले इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लोगे भाई, नोट कर लो। AP equal to value of n के पुट करो तो a minus x b minus 3x to the power q a plus b minus 2x p total, take formula or नोट कर ले जल्दी से। इन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच आई टू मोल ऑफ एच टू एंड आई टू रिएक्ट टू इच अदर एंड फॉर्म एच आई। इफ एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ एच आई इज 0.8 मोल, 0.8 मोल, देन वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी आर, करो सॉल्व। वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी आर बना बच्चा लो कुछ। करो सॉल्व, ऑप्शन गिवन है, चलो देखो। जिनसे सॉल्व ना तो हो ही जाता है, इतना टाइम नहीं लगता, सिंपल से कैलकुलेशन भी है। आई टू रिएक्ट टू आर टू एच आई, बताया गया क्वेश्चन में सबसे पहले तीन लाइन वाला क्वेश्चन मतलब ड्रॉ कर लो, तब जाके क्वेश्चन रीड करोगे तो कुछ समझ में आएगा। ही ये ए बी जीरो एक्स एक्स एक्स, आगे टू है तो टू एक्स, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स टू एक्स। तो फॉर्मूला पूछा है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ए माइनस एक्स अपॉन बी, बी माइनस एक्स अपॉन बी, टू एक्स अपॉन बी, ये दिया हुआ है भाई। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है एच आई का, इसका टू मोल, इसका टू मोल, टू मोल ऑफ एच टू एंड आई टू रिएक्ट टू इच अदर एंड फॉर्म एच आई। इफ एट इक्विलिब्रियम एच आई इज, इक्विलिब्रियम पे एच आई कितना है भाई, टू एक्स, और वो टू एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 0.8 क्वेश्चन में दिया है। हेंस वैल्यू ऑफ एक्स 0.4 हो गया सॉल्व भाई, डेट मीन्स एक्स इक्वल टू 0.4, ए का वैल्यू दिया है 2.4, इसका मतलब 0.4 सॉल्व करने पर 1.6। हाँ बेटा बोलो, तो यहाँ पे 1.6, यहाँ पे भी 1.6, ये 0.4 दिया है भाई, वॉल्यूम ये मोल आ गया भाई, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, या फिर सीधा केसी निकाल दो ना भाई, जब डेल एनजी जीरो तो वॉल्यूम का जरूरत पड़ता है क्या, डेल एनजी जीरो तो वॉल्यूम का टर्म का जरूरत ही नहीं पड़ता, जब डेल एनजी नॉट इक्वल टू जीरो तब वॉल्यूम पड़ता, तो वॉल्यूम दे या ना दे निकल तो जाना ही है केसी, और उस समय केपीसी और केपी दोनों सेम होता है। तो कितना होगा वैल्यू भाई, प्रोडक्ट 2x टू द पावर 2, रिएक्टेंट a माइनस x b माइनस x, तो सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर या फिर 2x इंटू 2x,
और नीचे कितना है a माइनस x का वैल्यू 1.6 1.6 0.8 0.8 1.6 1.6 ये टू टाइम्स में ये टू टाइम्स में 1/4 मतलब 0.25 हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व बोलो यस सर था ना सिंपल सा चलो नेक्स्ट नोट करो द वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर बैकवर्ड रिएक्शन आर कर लेना बैकवर्ड रिएक्शन आर 4×10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड 2×10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड व्हाट इज द Kc for given reaction. For the reaction, कर लो. For the reaction. ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सबसे सॉल्व होना चाहिए भाई नोट कर लो और सॉल्व करो ये भी क्वेश्चन मिस्टेक करने वाला है भाई Kc इक्वल टू Kf अपॉन Kb है Kf का वैल्यू कितना दिया भाई 4×10⁻³ Kb का वैल्यू दिया 2×10⁻⁴ 10 बचेगा ऊपर जाएगा 2×10 20 हो गया सॉल्व ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है बताओ क्या पढ़ोगे तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एच आई फॉर्म when initial mole of H2 and I2 are two and equilibrium constant is 225 सॉल्व करो तो ऑप्शन है 15 मोल 30 मोल 2 मोल एंड नन ऑफ द अबव हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एच आई इज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम व्हेन इनिशियल मोल ऑफ H2 एंड I2 आर 2 मोल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 225 इनकरेक्ट है बच्चा सी ऑप्शन डी ऋषभ देख लेते हैं बच्चा आता है कि नहीं आता नो नन ऑफ दैट वा तो बेटा जब तक वो तीन लेवल खेला स्टार्ट नहीं करेगा तब तक होगा नहीं भाई उस क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा तो भैया H2 प्लस I2 इक्वल टू होता है 2HI ये A B 0 और ये इक्विलिब्रियम है तो ये एक्स 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 ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स और ये कितना होगा भाई
टू एक्स, यही होगा ना, यही होगा कि नहीं होगा भाई? यस सर। अब हमको चाहिए क्या, केसी, तो केसी इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ टू एक्स मतलब मोल ऑफ टू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? तो केसी इक्वल कितना, टू टू फाइव टू एक्स ए माइनस एक्स, दोनों सेम है ना, यहाँ पे ये टू ये टू, तो टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स। क्लियर है? तो होल स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या होगा भाई, टू टू फाइव टू एक्स टू माइनस एक्स इसका रूट, तो किसका रूट है, फिफ्टीन का, तो टू एक्स टू माइनस एक्स, इसको सॉल्व करो कितना आता है, एक्स का वैल्यू देखो भाई कितना आएगा, थर्टी माइनस फिफ्टीन एक्स इक्वल टू टू एक्स, यही होगा या फिर 2x minus 15x minus plus 15x 30 equal to 0। तो कुछ याद आया, कौन से क्वेश्चन बन गया ये? मतलब क्वेश्चन आगे इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं हो जाएगा भाई, मैथमेटिकल क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला ही बनता है, लेकिन यहाँ नहीं बना, मुझे लगा वही बन गया करके। 13 कितना आएगा भाई, डिवाइडेड बाय 17 x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x मत निकालो, चलो रहने दो, हमको चाहिए कितना, वैल्यू ऑफ एच आई ए इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, मोल ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम, तो 2 into x, तो 2 into 30 divided by 17, तो सॉल्व कर लो भाई कितना आता, 60 divided by 17। तो अभी नोटा ऑप्शन दिया है, तो नोटा ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है ना, अगर नोटा ऑप्शन नहीं दिया रहता तो अप्रोक्स आंसर कौन सा था, 30 के आसपास आता। इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, केस वन केस टू केस थ्री, तीनों केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रहेंगे तभी आप इस तरह से इक्वेशन ड्रॉ कर पाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले स्टेप वो लाइन, और ये क्लियर है तब जाकर क्वेश्चन को रीड करोगे, तब तुमको डाटा हर एक डाटा समझ में आएगा कि हाँ ये कैलकुलेट करना है, ये दिया हुआ है, समझ में आया बच्चा? चलो एक क्वेश्चन और हो जाएगा, नोट कर लिया क्या इसको, एक केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन, sorry, in a chemical reaction of formation of HI, 2 mole of H2 and I2 react each other and form HI. If 20% of H2 is dissociated, then value of KPR. Question को read करने से पहले practice में आ जाएगा तो उतना कुछ करने का जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा, फिर भी हम बोलेंगे वैसे ही करना। Time equal to 0, time equal to t, time equal to कितना भाई? A, B, 0, X, 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 2 है तो 2 से 2X, A minus X, B minus X, 2X, question में क्या बोल रहा है, initial mole कितना है ये, 2 और ये 2, अब क्या बोल रहा है, कितना mole dissociate हो रहा है भाई, H2 का information given है, ये dissociate amount है ना भाई, और ये भी dissociate है, और ये क्या associate, तो कितना भाई, 2 का 20%, इसका मतलब क्या होगा बच्चा, x इक्वल टू 2 इनटू 20%, x का वैल्यू कितना आएगा बच्चा बोलो, कितना मोल h2 डिसोसिएट, 2 का 20% मतलब 2 इनटू 0.2
0.4, यही होगा, यही होगा ना। अब x पता चल गया हमको कितना भाई, पॉइंट फोर, तो ये भी कितना होगा 0.4, और ये 2x कितना होगा 0.4 इंटू 2। कर लो सॉल्व भाई, केसी का केपी और केसी दोनों सेम है, 2x होल स्क्वायर, ये a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, 2x का वैल्यू कितना है 0.4 इंटू 2 का स्क्वायर, यही है ना। a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 2 इन माइनस 0.4, 2 माइनस 0.4, तो कर लो सॉल्व भाई, 0.4 इंटू 2, 0.4 इंटू 2, ये कितना जाएगा 1.6, तो 4 टाइम्स में कितना आ गया भाई 1/4 मतलब 0.25। हुआ कि नहीं हुआ सॉल्व, क्लियर है बच्चा, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लो भाई, 2x का वैल्यू 0.4 इंटू 2 सही है, दो बार कर दिया वहां पे 0.4 टू 0.4 कितना का 1/16, 1/6 मतलब 1.6 4 4, नीचे कितना बचा बच्चा, 4 को मल्टीप्लाई हो गया, ये तो हो गया 1 बचेगा, तो क्लियर है सभी को। इस टाइप से क्वेश्चन समझ में कब आएगा, जब ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा तब जाके क्वेश्चन इतना तो क्लियर होगा। इनिशियल मोल दिया हुआ है, इतना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, प्रोडक्ट के नाम पे क्या बोलेगा इसे, एसोसिएटेड, प्रोडक्ट में क्या बोलेगा इसे, एसोसिएटेड, समझ में आ रहा है ना बच्चा कि नहीं आ रहा है। कल इस टाइप के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे भाई, ठीक है ना, आज बस इतना।